स्मार्ट डॉग रेस्क्यू। एक गांव में गौरव नाम का व्यक्ति उस गांव के धनवानों के घर में स्विमिंग पूल्स को मेंटेन करता था। उसका काम था स्विमिंग पूल की सफाई करना और उसमें ताजा पानी भरना। गौरव की पत्नी थी नंदिनी। नंदिनी को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। घर के बाहर अगर गली के कुत्ते आते तो उन्हें भगा देती। एक दिन गौरव साइकिल पर जा रहा था, तभी उसके जेब से उसका बटुआ नीचे गिर गया। इस बात से अनजान गौरव साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, एक कुत्ते ने उसे देख लिया। उस कुत्ते ने उस बटुए को अपने मुंह में दबोचा और साइकिल के पीछे भागने लगा। घर आकर गौरव अपने जेब टटोलने लगा। ये देखकर नंदिनी ने पूछा, क्यों जी, क्या हुआ? अरे भगवान, मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। अभी अभी मुझे तनख्वाह मिला था, मैं जरा जाकर सड़क में ढूंढ कर आता हूँ। हे भगवान, आप इतने लापरवाह क्यों हो? अब क्या सड़क पर बटुआ आपका इंतजार करेगा? अब तक तो कोई ना कोई उसे ले जा चुका होगा, अब इस महीने हमें लोगों से उधार लेना पड़ेगा। तभी वो कुत्ता बटुआ लेकर वहाँ आया। ये देखकर दोनों दंग रह गए। गौरव ने खुश होकर उस कुत्ते के मुंह से बटुआ निकाला। ये क्या भगवान, ये तो बड़े हैरानी की बात है, एक कुत्ता मेरा बटुआ लेकर आया। मुझे यकीन नहीं होता, इसकी सूझबूझ देख के मुझे नहीं लगता कि ये गली का कुत्ता है। लगता है किसी ने इसे बहुत अच्छी तरह पाला फिर इसे छोड़ दिया। अरे भगवान, इस बेचारे को थोड़ा खाना तो खिलाओ। हाँ हाँ, जरूर खिलाऊंगी, लेकिन इसे पालने के लिए ना कहना, आप तो जानते हो मुझे कुत्तों से खीज है। नंदिनी ने उस कुत्ते को खाना खिलाया। अगले दिन गौरव अपने साइकिल पर काम पर चला गया। वो कुत्ता उसका पीछा करने लगा। गौरव एक धनवान के घर गया। अपने पीछे उस कुत्ते को आते हुए देखकर, पता नहीं ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। चलो कोई बात नहीं, लगता है कि मेरा और इसका पिछले जन्म का संबंध है, ऐसा सोचा। गौरव उस घर में स्विमिंग पूल को साफ कर रहा था कि वो कुत्ता स्विमिंग पूल के पास ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी उस घर के मालिक के पिताजी भुवन सेठ ने उस कुत्ते को देखा। ए, ये कुत्ता कहाँ से आया घर के अंदर, कहकर चिल्लाया। साहब, ये मेरा कुत्ता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आता है, ये आपको कुछ नहीं करेगा मालिक। अरे तुम्हारा कुत्ता है तो तुम इसे अपने घर में रखो या फिर मेरे घर के गेट के बाहर इसे छोड़ दो, लेकिन ऐसे आवारा कुत्तों को मेरे घर के अंदर लाओगे तो मैं चुप नहीं रहने वाला, इसे तुरंत बाहर भेज दो। इस कुत्ते का नाम क्या रखूं? यूं सोचकर, हाँ राजा, जरा बाहर जाकर इंतजार करो। वो कुत्ता तुरंत बाहर चला गया। बाद में गौरव राजा को अपने घर ले गया। उस कुत्ते को देखकर, ये क्या, आप इसे फिर से ले आए? मैंने कहा तो था कि हम इसे पाल नहीं सकते। अरे भगवान, कुत्ते इंसान के भरोसे जीते हैं, ये दूसरे जानवरों की तरह खुद अपना खाना नहीं ढूंढ सकते। हमारे खाने के बाद जो चार टुकड़े रोटी के बच जाएंगे इसे खिला दिया तो हमारा क्या नुकसान है? तो ठीक है, पर आज से इसकी जिम्मेदारी आपकी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, गौरव ने ठीक है कहा। एक दिन गौरव भुवन के घर में स्विमिंग पूल में पानी भर रहा था। भुवन आकर उसकी जांच कर रहा था, तभी भुवन की पत्नी वनिता वहाँ आई। गौरव भैया, हमारे घर के बाथरूम में नल बंद नहीं हो रहा है, जरा आकर देखिए ना प्लीज। गौरव घर के अंदर गया। स्विमिंग पूल का जांच करता हुआ भुवन अचानक अपने दिल को पकड़कर पानी के अंदर गिर गया। राजा ने ये देख लिया। राजा तुरंत स्विमिंग पूल की ओर दौड़ा और उसके अंदर छलांग मारा। वो पानी के तह तक पहुंचा। भुवन के शर्ट को अपने मुंह में दबोचकर भुवन को पानी के बाहर निकाल के ले आया। तभी गौरव और अनिता बाहर आए। स्विमिंग पूल में तैर रहे भुवन और राजा को देखा। तुरंत गौरव पानी के अंदर कूदा और भुवन को बाहर ले आया। फिर भुवन को अस्पताल में भर्ती किया। कुछ दिनों बाद,
मैंने तुम्हारे कुत्ते को पालने का निर्णय किया है। अगर ये कुत्ता ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। मैं तुम्हारा और तुम्हारे राजा का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। फिलहाल ये पैसे रख लो। कहकर उसे 1 करोड़ रुपए दिए। घर आकर गौरव ने वो सारे पैसे नंदिनी को दिए और जो कुछ हुआ सब बताया। नंदिनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने तुरंत राजा को गले से लगा लिया और उसे पुचकारने लगी। इस तरह वे धनवान हो गए। नंदिनी और गौरव राजा का बड़े प्यार से देखभाल करने लगे।